राजकीय वेद दाऊदयाल जोशी जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय तलवंडी कोटा में नवा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आरोग्य सप्ताह के तहत आज महिला स्वास्थ्य में आयुर्वेद की भूमिका विषय पर डॉक्टर अंजना शर्मा व डॉक्टर मीनाक्षी नागर द्वारा व्याख्यान दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्कूल की छात्राएं उपस्थित रही। चिकित्सकों द्वारा विभिन्न बीमारियों के लक्षण बचाव बताते हुए इलाज भी बताया गया। इसके साथ पुष्य नक्षत्र पर आज 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टर दवा पिलाई गई। 24 तारीख को चिकित्सालय में महिला स्वास्थ्य पर आयुर्वेद का व्याख्यान है। इसके अंतर्गत चिकित्सालय में आने वाली महिला रोगियों को एकत्रित करके महिलाओं को आयुर्वेद से स्वास्थ्य कैसे लाभ दिया जाए इसके बारे में बताया गया। और स्वास्थ्य का हमने जो एक महिलाओं को परिपत्र दिया उसका भी हमने विमोचन किया। आगे कल 25 तारीख को चिकित्सालय में प्रकृति परीक्षण पर व्याख्यान होगा और रोगियों का प्रकृति परीक्षण किया जाएगा। बस स्वर्ण प्राशन का भी कार्यक्रम है, तो हमारे यहाँ आंचल प्रसूता केंद्र चलता है, उसके बाल रोग विभाग दोनों में ही स्वर्ण प्राशन का प्रोग्राम है। स्वर्ण प्राशन से बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और एक बड़ा समन्वित प्रयास है। इससे दोनों ही चीज़ें है कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, माताएँ माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो निश्चित रूप से बच्चा स्वस्थ रहेगा तो पूरा भारत स्वस्थ है।